मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है जनवार गांव। बुंदेलखंड अंचल के पन्ना जिले का यह आदिवासी बहुल गांव जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब इस गांव की पहचान एक खेल से हो रही है। इसे अब देश का स्केटबोर्ड गांव कहा जाता है। कुछ साल पहले तक इस गांव में सड़क बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं थी, लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल चुकी है। इस गांव का बच्चा बच्चा स्केटबोर्डिंग का खिलाड़ी है और ये कई मेडल भी जीत चुके हैं। इस गांव की पहली स्केटबोर्ड खिलाड़ी थी आशा गोन, जिसने चीन में स्केटबोर्ड खेल के लिए क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन किया था। अब इस लड़की की कहानी पर फिल्म बने। फिल्म का नाम है स्केटर गर्ल, जो नेटफ्लिक्स पर कल रिलीज हुई है। इस फिल्म को बनाया है शोले फिल्म के सांबा मैकमोहन की बेटियां मंजरी और विनती मैकेजानी ने। स्केटर गर्ल फिल्म जीवन के सारे अंधियारे को परे कर उम्मीद ढूंढने की कहानी है। दरअसल इस गांव को स्केटर विलेज का दर्जा दिलाने का श्रेय जर्मनी की उलिरके रेनहार्ट को जाता है। वो करीब 5 साल पहले पन्ना घूमने आई थी। यहां की गरीबी और पिछड़ापन देखकर उन्होंने गांव के लिए कुछ करने की सोची और सबसे पहले उन्होंने बच्चों को दिया स्केटबोर्ड। यही से इस गांव की तस्वीर बदल गई। इस गाँव की पहली स्केटबोर्ड चैम्पियन बनी थी आशा, जिनके जीवन पर ही फिल्म बनी है। स्केटबोर्ड के सहारे जनवार गांव के बदलाव की कहानी, उस पर उलिरके ने एक किताब भी लिखी है, रिमोट द रूरल चेंज मेकर्स ऑफ जनवार।